हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एक्साइटिंग चीज बताऊंगा जिसे आप अपने दोस्तों को दिखा करके सरप्राइज कर दोगे, और वो भी इसे देख के सरप्राइज हो जाएंगे। आप भी खुद अभी सरप्राइज होने वाले हैं, और वो कुछ नहीं है, सिंपली मैं आपके सामने करूंगा इस पेन और इस डायरी के साथ। तैयार हो जाइए, जाना चाहते हैं। मैं बहुत ही अच्छी एक मैथमेटिकल मैजिक करूँगा जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सौ एक आप अपने फ्रेंड को बोलिए, वो कुछ भी थ्री डिजिट्स आपको बोले, नंबर थ्री डिजिट्स के नंबर बोलेगा, और आप उसको लिखिए यहाँ पे। आप ऐसे एक डायरी लीजिए और उनको बोलिए कि थ्री डिजिट का कोई नंबर बोलें। जैसे सपोज दैट आपके फ्रेंड ने कुछ भी बोला, एक्स वाई जेड 714। अब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपकी कमेंट करके भी उस वीडियो पर करके दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे 714, इसमें सिंपली क्या है, मैंने 714 लिखा है, या आप भी लिख लीजिए 714, ठीक है। इसका मैथमेटिकल आंसर अभी आप नहीं दे सकते, इस अपने दोस्त को कहिएगा कि वो कोई भी आपको थ्री डिजिट्स बोले, वो हमको आपको थ्री डिजिट बोलेगा। आप कॉपी पे उतार लीजिएगा, कॉपी पे लिखने के बाद आप उससे बोलिए कि इस तीन डिजिट का आंसर मैं पहले लिखने वाला हूँ। अब जैसे इसका आंसर मैंने लिख दिया, मैंने लिखा है 2712, और एग्जैक्टली सर यही आंसर आने वाला है अभी। एग्जैक्टली एक मिनट, मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। आपके फ्रेंड ने बोला 714, ओके। आपने अपने फ्रेंड को आंसर दिया 2712, ओके, ठीक है। अब अपने फ्रेंड से कहिए कि एक और वो कुछ बोले, आगे वो कुछ भी बोलेगा। सपोज दैट उसने बोला 314, ओके। अब अपने फ्रेंड्स को कहिए, दो उसने बोले हैं, एक आप अपनी तरफ से लिखेंगे, वो आपके मन में है जो भी लिखना चाहे। मैं सीक्रेट बताऊंगा आपको क्या लिखना है, ठीक है। पहले आपने फ्रेंड्स ने आपके फ्रेंड्स ने आपको 314 बोला है, आपने लिखना है 685, ओके। अब आपको अपने मन से लिखना है, मतलब ये आपने अपने मन से लिखा, आपके फ्रेंड ने बोला आपने आंसर लिखा, आपके फ्रेंड ने बोला आपने आंसर लिखा। अब आपका फ्रेंड बोलेगा, उसको बोले फिर से थ्री डिजिट्स, कुछ भी बोले। आपका फ्रेंड थ्री डिजिट्स में 121 बोलता है, आप नोट कर लीजिए 121, ओके। अब आपकी बारी है लिखने की, आप यहाँ पे पेन डाउन कर दीजिए 8 7 8, ये आपको लिखना है अपने मन से। पहले आपका फ्रेंड बोलेगा, आप आंसर लिखेंगे, टर्म दोनों तरफ से है। आपका फ्रेंड बोलेगा आपको आंसर लिखना है बिना बीच की संख्या जाने, और उसके बाद आप आंसर लिख देंगे, फिर आपका फ्रेंड फिर बोलेगा एक और सम, उसके बाद आप इसे लिख देंगे, फिर आप उसका आंसर लिखेंगे, फिर आपका फ्रेंड बोलेगा फिर। मगर इस दौरान जब आपने आंसर लिखा और जब आपके फ्रेंड ने एक पहली रकम बोली, उस बीच आपको नहीं पता कि क्या आने वाला है, क्या लिखने वाला है, तो आपने पहले ही आंसर दे दिया। आपको आप शॉक कर देंगे अपने फ्रेंड्स को ये दिखा के, और आप इस सम को देख लीजिए, आंसर एक्यूरेट है, आप जोड़ लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो इसका सीक्रेट जानने के लिए मुझे कमेंट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसका आंसर जल्दी बताऊंगा, इसका सीक्रेट सिंपल है। थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।